अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। अब मैं यहाँ पे आया हूँ नेहरू निलय को, मतलब नेहरू गेस्ट हाउस। चलिए, अब नेहरू गेस्ट हाउस मतलब यहाँ पे लोगों को रहने के लिए इंतज़ाम किया गया है। टूरिस्ट को क्या या फिर स्टाफ को क्या वो मालूम नहीं। सिर्फ ये देखिए नेहरू निलय, यहाँ पे लोग आके ठहरते हैं, स्टे होते हैं। नेहरू निलय हमारे नेहरू चाचा के नाम पे है, जो हमारे पहले देश के पहले प्रधानमंत्री है। अच्छा, यहाँ पे बहुत खूबसूरत पेड़ लगे हैं और बहुत ही ज़्यादा हरियाली है। चलिए तो सब अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हरियाली है, सीन बहुत मिला, ग्रीन ग्रीनरी है। एंजॉय कीजिए, पाइन टॉप होटल। और हम बतख के जैसे कुछ ये भी बना के रखे, उसमें फिर कुछ हरे भरे हल्के हल्के पेड़ भी है। और ये मूर्ति भी है और साथ में मंगवाना भी है बंदर। ये हमारे नेहरू जी की मूर्ति है, तो यहाँ पे सफ़ेद कलर में बनाई गई है। प्रशासन में पानी का हो जाए, कल पानी नहीं है। चलिए दोस्तों, अभी ऊपर जाते हैं नेहरू निलय में फ्रंट साइड से। ये नेहरू हाउस का अंदर जाने का गेट यानी दर्जा। यहाँ से अपन थोड़ा अंदर जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूँ। इतना ही, लेकिन पूरा बंद है। माशाल्लाह कितना खूबसूरत तरीके से बनाए गेस्ट हाउस में। टॉप कितना फाइन बनाए, पूरा पुराने जमाने का कंस्ट्रक्शन है। प्रेजेंट ये टाइप का कंस्ट्रक्शन कोई भी नहीं करता। ऐसे फुल व्यू ऑफ नेहरू हाउस। चलो चलते हैं। माशाल्लाह यहाँ पे कितने खूबसूरत पेड़ पौधे हैं।
हेलो दोस्तों, और फिर से और एक सनराइज पॉइंट पे आ गए हम। माशाल्लाह ये भी बहुत खूबसूरत है, एंजॉय कीजिए। देखिए ये और एक सनराइज पॉइंट है, ये यहाँ पे एक मोबाइल टावर भी है नेटवर्क के लिए। यहाँ पे जो लोग आते हैं उनको प्रॉपर नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए। हालांकि यहाँ जियो का भी नेटवर्क है, बाकी का वोडाफोन का थोड़ा प्रॉब्लम है, एयरटेल का अच्छा था है, बीएसएनएल का अच्छा था है, वोडाफोन आइडिया थोड़ा प्रॉब्लम है। कभी आता है कभी। चलो अभी यहाँ से दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं। दो मिनट इस पॉइंट को व्यू को एंजॉय कीजिए। धूप होने की वजह से ठीक से नहीं आया, कैसा फर्क दिख रहा है। अगर मॉर्निंग 6 बजे शाम भी आए होते तो बहुत अच्छा सा फर्क दिखता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी हम आए हैं यहाँ पे चाय पीने के लिए इस मयूरा पॉइंट ऑफ रेस्टोरेंट में। चलिए चलिए एंजॉय करते हैं चाय को, हैं कि कैसी मिलती है। और यहाँ पे और इस होटल में बहुत बेहतरीन व्यू भी देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं भाई। यहाँ पे एक चाय 20 रुपये की मिलती है, लेकिन देखने इतने पैसे लिए इसका टेस्ट कैसा था, इसका कैसा आता था देखना इंशाल्लाह। देखिए दोस्तों 20 रुपये में कैसी चाय मिली है, चलो इसको टेस्ट करके देखते हैं पैसा वसूल होता है या फिर पैसा लॉस होता है। चलो और एक अच्छी है, लेकिन थोड़ा बाहर सेम चाय 10 रुपये में मिलती है, फिर 20 रुपये में मिलती है। क्या कहना मजबूरी है, बिना ब्यूटीफुल माशाल्लाह, सीट भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और यहाँ पे क्लीननेस फुल हाइजेनिक है, अच्छा क्लीन है, लाइट्स वगैरह माशाल्लाह बहुत अच्छा है, क्लीन है, तार भी बहुत अच्छा, फास्ट वर्क है। जब रहते हैं यहाँ पे सेल्फ सर्विस है, खुद जाके आइटम लेके आना पड़ता, उन्होंने ला के नहीं देते। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट पे नाइन चलते हैं। वो नेक्स्ट पॉइंट इधर ही है जो ब्रिज की तरह है। चलिए दोस्तों अभी वहाँ पे चलते हैं। चलिए दोस्तों अभी हम वो पॉइंट पे आ गए, इस पॉइंट पे एक्सप्लोर करते हैं। चल भी कर रहे हैं।
माशाल्लाह कितना खूबसूरत है नजर आया तो दिल करा कि ऐसे मन आ जाऊँ, क्या करना फिर भी जाना पड़ता है। कितना खूबसूरत नजारा ये है, ये सेवेज हेरिटेज करके छोटे छोटे रूम, आई थिंक ये जेल है शायद। इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं, पता नहीं कब गिरेगा इस आए जाना नहीं। इधर से देखो, अच्छा होता है लेकिन गली जाने अंदर क्लीननेस नहीं है अंदर, इस वजह से अंदर नहीं जा रहा। यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट है, और यहाँ पे मस्त में बैठने के लिए बनाया गया है, रेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे भी आप व्यू का मज़ा ले सकते मस्त है। यहाँ पे गांधी जी बन के एक शख्स खड़ा है पेंटिंग करके अपने बॉडी को फुल एक मिनट साथ पकड़ो। हाय दोस्तों, अब हम आए हैं टिप्पू स्क्रॉप पॉइंट पे। यहाँ पे सिर्फ पत्थर चढ़ना और उतरने का रहता, और यहाँ पे भी आपको सनराइज देखने को मिलता। चलिए अब इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। डू नॉट क्रॉस दिस फील करके लगाए, नहीं यहाँ पे उसको पार करना डेंजर है क्योंकि मौत भी हो सकती है और फाइन लग सकता है आपको। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यहाँ पे देखो कितना अच्छा व्यू मिल रहा ऐसा। हालांकि वो रोड है लेकिन झाड़ों के बीच में रोड बिल्कुल भी नहीं दिखा, क्योंकि इतना घना जंगल की तरह है दरख्त वगैरह। बिल्कुल लास्ट पॉइंट, लास्ट स्टेज, लास्ट पॉइंट है मतलब एंड, इसके आगे नहीं है खत्म। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को जाते हैं। यहाँ से देखो कितना, यहाँ पे कहीं भी देखो सिर्फ हरियाली हरियाली दिख रही है और बहुत घने घने
झाड़ दिख रहे हैं, लंबे लंबे पेड़ है। यहाँ से देखो जो घाट सेक्शन रोड है क्लियरली दिख रहा है, कैसे कैसे टर्निंग आए। वहाँ पे पार्किंग, चलिए दोस्तों वापस चलते हैं। चलिए दोस्तों आप इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। आदि भाई।